पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थाना सिविलाई से नवीन नगर में दिन दहाड़े एक चोरी दुकानदार के घर में घुसकर 80,000 का माल साफ कर ले गया। 844 नवीन नगर निवासी राजेश्वर सिंह का घर है। घर में ही उनकी परचून की दुकान है। बुधवार को शाम 5 बजे राजेश्वर किसी काम से गए थे। पत्नी सावित्री देवी दुकान पर बैठी थी। इस बीच एक युवक राजेश्वर सिंह के घर में घुस गया। राजेश्वर सिंह के मुताबिक उनकी पत्नी दुकान से घर में गई तो चोर ऊपर से नीचे उतर रहा था। वह टोकने पर दरवाजे से निकलकर भाग गया। थोड़ी देर बाद बेटी ने आकर देखा तो उसके 40,000 रुपए और सोने की 3 अंगूठियां गायब थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा है। मेरा नाम राजेश्वर कुमार है जी। क्या हुआ है आज? ये साहब, मैं बिसलेरी का पानी लेने गया था मानसर स्कूल पे। घरवाली अकेली थी पीछे, मगर वो कोई चीज लेने के लिए अंदर हुई दुकान में। लड़का एक ऊपर को आया चढ़ के अपना, और ऊपर आके 15-20 मिनट रुका है वो। उन्हें जितने पर्स थे सब खकोड़ के पैसे निकाल लिए उसमें से, और 2 अंगूठी थी उसके अंदर लड़की की, वो भी निकाल के ले गया। और गुटके खा के ऊपर थूकता रहा यहाँ पर। और जब लड़की शाम को ड्यूटी पे से आई तो उसने देखा कि ये सामान ऐसे ऐसे यहाँ पर निकल गया है। और जब वो नीचे उतर के भागा तो उसके मैं पीछे भागा हूँ, मगर वो मानसर स्कूल की तरफ से भाग तो बड़े पार्क में होता हुआ एकदम निकल के भाग गया। दिखने में कैसा रहा है वो लड़का? हाँ जी, कौन पतला सा लड़का है और सिर के बाल उसके बड़े बड़े हैं और शक्ल उसकी नहीं दिखनी पाई, और पीछे को भागा है वो। डॉक्टर चक्रवर्ती के कैमरे में उसको आ गया होगा, वो गली में से भागा है। कैसे मालूम हुआ, कैसे जानकारी हुई आपको? जब वो नीचे उतरा, पैड़ियों से नीचे उतरा, घरवाली ने शोर मचाया, क्या बात है, क्या लेना क्या लेना है। वो एकदम भाग पड़ा। घरवाली ने मुझे दुकान में बताया, साहब ऐसे ऐसे ये लड़का भाग भागा, देखो उसे पकड़ो। और मैं भागा, जितनी देर आगे आगे भागा, स्कूटर लेके उसके पीछे गया तो एकदम आगे भागते चला गया, गली में से निकलता हूँ। लगभग कितने रुपए की चोरी रही होगी? चोरी गई 25,000 रुपए नगद थे इनके पर्स के अंदर। ये 4-5 पर्स सब खाली हुए पड़े हैं, और 2 अंगूठी रखी है जिसकी, इसकी लड़की की, इसमें और सेफ बंद थी, सेफ बंद थी जिसमें सेफ को नहीं खोल पाया वो।